नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे के साथ। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह मधुबन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज समेत पुलिस के आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह करनाल में आयोजित संगठनात्मक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। उसके बाद हरियाणा सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस में कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक आज शाम को सोनीपत में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की संगठनात्मक मीटिंग होने जा रही है। वहीं नशे को लेकर हरियाणा का फतेहाबाद जिला इन दिनों सुर्खियों में है। फतेहाबाद में नशे की तस्करी के साथ साथ अब नशे की खेती भी होने लगी है। पूरा मामला फतेहाबाद के गांव बीगड़ से सामने आया है, जहां पर एक किसान द्वारा सरसों के खेत में प्रतिबंधित खसखस यानी अफीम की खेती करने की खबर सामने आई है। वहीं पुलिस को सूचना मिलने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया, जहां उन्हें 500 के आसपास खसखस यानी अफीम के पौधे मिले हैं। फिलहाल पौधों को काटकर बरामद कर लिया गया है और संबंधित किसान को भी हिरासत में लिया गया है। ये हमारे एसआई गुरुपाल सिंह है, जो चौकी इंचार्ज दरियापुर है, उनको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बिगड़ गांव में ये अफीम के पौधों की खेती कर रहा है, तो जिस पर रेड की गई और वहां से करीब 472 पौधे जो है वो बरामद किए गए, जो अफीम के पौधे वहाँ रखे थे उसने सरसों के खेत में। और रमेश नाम का व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, एनडीएफएड के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इधर नरवारा के गांव धमतान साहिब में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम पर हमले की खबर है। बिजली विभाग की टीम पर हमले का आरोप कुछ ग्रामीणों पर लगा है। हमले में बिजली विभाग के एसडीओ और जय को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर बिजली विभाग के एसडीओ ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। एसडीओ का आरोप है कि विभाग की टीम गांव में बिजली चोरी पकड़कर वापिस लौट रही थी, तभी अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें टीम के लोगों को चोट आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और आज चोरी पकड़ने के लिए टीम बना के 6 आदमी गए थे, जिसमें 5 धमतान साहिब में गए थे चोरी पकड़ने। और वहाँ पे चेकिंग करने के बाद एक लड़का ने उसने गाड़ी का चाबी ले लिया, निकाल लिया और लोगों को फ़ोन करके बुला के, और यहाँ पे जय साहब को, मेरे को, ड्राइवर को और दो जितने स्टाफ थे, सारी को चोट लगी है। वहाँ पे हाथ पैर सारे चलाए हैं वहाँ पे लोगों ने। एसडीओ साहब साथ में थे जी, एसडीओ जय साहब अपनी कार्रवाई कर रहे थे जी कानून के तहत जी। उसके कारण कार्रवाई के बाद हम वापसी बैक निकलने लगे जी रोड पर। उसके बाद जो कंज्यूमर था उसको गांव ने इकट्ठा किया जी, उसको बुलाया गांव, सभी इकट्ठा हो गए और गाड़ी की चाबी निकाल ली जी और रोड पे गाड़ी खड़ी हो गई जी। उसके बाद एसडीओ साहब के भी साथ हाथापाई की जी, कुछ मेरे साथ भी की जी। अनिल जई की तो नीचे घसीट के जी गाड़ी से और धक्का के साथ, लात कोड़ियों के साथ, डंडों के साथ इतना मारा जी, जिसकी बेहोश हालात हो गई जी इसको तो जी। उसको तो सभी छोड़ गए, इधर उधर भग गए जी, और बेहोश हालात में जी वापसी गाड़ी में मैंने ही डाला और गाड़ी में लेकर जी मैं डॉक्टर के पास गया। इसके बाद पुलिस आई जी, उसके बाद थोड़ा बहुत शांत हुआ जी। एक जनरल जो हमारे लाइनमैन है जी, वो अभी भी अंदर हैं जी, पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है। खबर पलवल से है, जहां के अलीगढ़ रोड पर लापरवाही के कारण एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बेल्ट और रस्सी दिए बिना मजदूर को 20 फुट गहरी सीवरेज लाइन में खुदाई के लिए उतारा गया, जहां मिट्टी की ढा गिरने से एक मजदूर की दबकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन और पुलिस द्वारा 4 जेसीबी और क्रेन मौके पर बुलाई गई और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी के नीचे दबे मजदूर का शव बाहर निकाला गया। हादसा सर, काम कर रहे थे हम, इसका काम कर रहे थे, क्या नाम है कंपनी का, पावर में का काम कर रहे थे सर जी, तो वहाँ ठाए के चल गई, ठाए रोड के सारे ठाए के चल गई सर वहाँ पे। हम ये हमारे ठेकेदार हैं के सिंह जी, जो इन्हें ले गए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी सर। तो एक बंदे की मौत हो गई? हाँ जी सर, एक बंदे की मौत हो गई। हम ये पाइपलाइन का काम कर रहे थे अलीगढ़ रोड पे,
ऊपर से करार गिरी, एक बंदा दब गया उसके अंदर, हम तीन कूद गए निकालने के लिए, उसके बाद दूसरी भी आ गई, उसमें दो दब गए, हम भागे भी, फिर ये चोट लगी। आप भी दब गए थे उसमें से? नहीं, मैं तो इतना ही दबा लेकिन चोट लगती थी, फिर मैं निकल के भाग लिया। अच्छा, पहले जो मिट्टी डली थी वो एक के ऊपर गिरी थी, उसको निकालने के लिए आप गए थे? निकालने के लिए दौड़े, उसके बाद में ऊपर से फिर गिर गई, करा के ऊपर से निकली, उसके बाद में तुरंत से तुरंत करा। निकालने के लिए कौन कौन गए थे? एक तो आप हो गए, मुदई हम गए थे, और नीचे उतरे थे। जी जी जी। तो हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, ऊपर से ढाई गिर गई है और दब गए हैं। हम मौके पर पहुँचे, चार जेसीबी और एक क्रेन बुलाई, और तीन चार घंटे वहाँ पर काम चला, तो दो सही निकल गए और एक की डेथ हो गई। और वहीं यमुनानगर में परिवार पहचान पत्र में खामियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मनोहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और घंटी बजाओ सरकार जगाओ अभियान के तहत शहर में जगह जगह पर रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में घंटियां लेकर लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने घंटी बजाई और मनोहर सरकार पर आम जनता को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में खामियों को लेकर लोग रोजाना दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं और मनोहर सरकार सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार की सच्चाई अब लोगों के सामने आने लगी है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो बीपीएल राशन कार्ड की समस्या है। हरियाणा का गरीब दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी डीसी दफ्तर जा रहा है, कभी सीएससी सेंटर जा रहा है, कभी अटल सेवा केंद्र जा रहा है, लेकिन उनकी समस्या का आज कोई निवारण नहीं है। फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र सरकार जो लेके आई है, आज गरीबों के लिए वो परिवार परेशान पत्र बन चुका है। डेढ़ महीना निकल जाने के बावजूद और सरकार ने जो दावे किए थे कि हम लोग जो त्रुटियां हैं फैमिली आईडी के अंदर उनको ठीक करने का काम करेंगे, आज भी वो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस सोई सरकार को जगाने के लिए और इस सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाने के लिए हरियाणा युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में एक अभियान की शुरुआत करी है कि घंटी बजाओ सरकार जगाओ, और सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से ये फैमिली आईडी ठीक करे, नहीं तो जो नारा हमने दिया है घंटी बजाओ सरकार जगाओ, और अगर सरकार नहीं जागेगी तो सरकार को भगाओ। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब एक बड़ी खबर की बात करेंगे। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां के हुडा ग्राउंड में चल रहे लंदन ब्रिज फन फेयर मेले में बड़ा हादसा पेश आया है। मेले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बड़ा झूला अचानक टूट कर नीचे गिर गया, जिसके बाद मेले में एकाएक भगदड़ मच गई। वहीं झूला टूटने के कारण तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है। इधर घायलों के परिजनों ने प्रशासन और मेला मंडली पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे, ना कोई एम्बुलेंस वहां मौजूद थी और ना ही मेले में खामियों को पहले देखा गया। वहीं हादसे के बाद से मेले को फिलहाल बंद करवाया गया है। ऊपर झूला झूल रहे थे, हमारे सामने वाले झूले पे मेरी बहन के छूट के ऊपर से झूला नीचे गिरा है। कितने बच्चे इसमें भी घायल हैं? इसमें दो बच्चे, एक मेरी बहन है। तो अचानक से क्या? अचानक झूला जैसे का हिला, झूला एकदम टूट के नीचे गिर गया झूला। कहाँ के रहने वाले आप? रेवाड़ी के ही रहने वाले। हमने उस झूले को उठाया, दोनों बच्चे को साइड में किया है, दराए और उस लेडीज को, फिर उसके बाद हमने पूछा एम्बुलेंस कब आ रही है, ये बोल रहे रुको मठाओ बच्ची को, एम्बुलेंस आ रही है। मैं इतने तो टाइम नहीं है, बच्ची का सांस चल रहा था, तो हम अपने उठा के इनको यहाँ एडमिट। कंडीशन अभी तो सही नहीं है सर, इतना सर फटा पड़ा बहुत ज्यादा, काफी सीरियस है, ऐसी बहुत ज्यादा मतलब राउंड हो गई थी बच्ची, और सर में तो बहुत ज्यादा लगी पड़ी है, अंदर तक सब कुछ दिख रहा है। तो इनमें से एक लड़की तो थोड़ी सी ठीक है, बाकी दो देखने से लग रहा है कि थोड़े सीरियस है, बाकी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो बाद में बताऊंगा। इंजरी की बात करें, कहां की लगी? इंजरी अभी वो सीटी स्कैन वगैरह ये सब होंगे, उसका फाइनल इंजरी बताई जाएगी, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी मेला चला हुआ था, मेले में झूला लगा हुआ था, झूले का एक पॉकेट नीचे गिर गया और गिरने से दो बच्ची और एक महिला के चोटें आ गई, जिसको इलाज के लिए यहाँ अस्पताल मातृका भिजवा देगा। इलाज चला हुआ है और जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो प्रोसीडिंग हम कर रहे हैं। कंडीशन की बात करें,
और इधर हिसार में दरिंदगी के बाद मासूम बच्ची की पत्थर से कुचलकर हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक पड़ोसी युवक पर 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी और पड़ोस का युवक उसे अपने साथ ले गया था, जिसके बाद बच्ची अपने घर के सामने से ही लापता हुई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी युवक ने दुष्कर्म की बात भी कबूल ली है। इधर पुलिस जांच अधिकारी ने बताया है कि मासूम बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि बच्ची का शव ब्लूबर्ड झील के पास एक कूड़े के ढेर से बरामद किया गया है। 10 फरवरी को बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी थाना में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने बच्ची के परिजनों को न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया है। उसको लाके अभी हॉस्पिटल में लेके आए हैं, डॉक्टर ने उसको डेड घोषित किया है और आगे पोस्टमार्टम के बाद जो भी डॉक्टर्स बताएंगे उसके साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ उसके बाद की बात। सर पे चोट मार रखी, पत्थर से चोट मार रखी परिवार के प्रति, और वो उनका जो दुख है बांटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस घड़ी को मैं वापस नहीं लेके आ सकता, उस बच्ची की जान को वापस नहीं लेके आ सकता, लेकिन ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के कानून में जो सख्त से सख्त सजा होगी ना, हम उसको वो दिलाने का प्रयास करें। खबर हांसी से है। हांसी उपमंडल के सरकारी स्कूल में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अब स्कूल प्रिंसिपल पर गाज गिरी है। पूरे मामले को दबाकर रखने पर शिक्षा निदेशालय ने महिला प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इधर पुलिस ने आरोपी चपरासी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी चपरासी मासूम बच्ची को लड्डू खिलाने के बहाने स्कूल के क्लर्क ऑफिस लेकर गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 11 साल के एक बच्चे के साथ, हाँ, एक दरखास्त है प्राप्त हुई जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। 11 था किसी स्कूल के चपरासी का, हाँ, लड़की का मामला में आरोप था जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। तफ्तीश श्री सतीश कुमार DSP साहब ले रहे हैं, एक आरोपी अरेस्ट कर लिया जिसको आज कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिमांड जेल भेज दिया। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने अपने जन्मदिन पर रोहतक में कार्यक्रम कर पार्टी आलाकमान को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। वहीं इसी सवाल को लेकर अशोक तंवर ने कहा कि वो पहले भी ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं, उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोई इच्छा नहीं है। वो कांग्रेस में 6 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इधर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अशोक तंवर ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के नेता ही आपस में जुड़े हुए नहीं है। नहीं, कोई वो नहीं है, तो हर साल आपने पहले भी देखा, पहले किसके खिलाफ, हमारे तो पिछली बार जींद में था, उससे पिछली बार करनाल में था, यहाँ इसकी धरती पे ना कोई नहीं। हाँ, हमारे ये, मैं तो देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, लोगों के लिए जीने वाला व्यक्ति हूँ और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, और ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया और इसीलिए और जज्बे के साथ लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हैं आप? कोई दौड़ में नहीं है यहाँ पर, यहाँ सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जो पार्टी ने काम दिया है उसके। प्रदेश अध्यक्ष तो मैं 6 साल रह तो लिया, देश के अध्यक्ष रह लिए, प्रदेश के रह लिए। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, वो चाहे मैं हूँ, चाहे गुप्ता जी हों, और कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, पार्टी उनको मान सम्मान के साथ उचित काम दे और वो काम करके दिखाए। और वहीं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर से अडानी और मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद भी मौजूदा सरकार ने ज्वाइंट संसदीय कमेटी से इस पूरे मामले की कोई जांच नहीं करवाई और जांच से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अडानी को विदेशों से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए और देश में अडानी ने अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला किया है, जिसकी जांच जरूर होनी चाहिए। साथ ही LIC और पंजाब नेशनल बैंक भी अब भरोसे लायक नहीं रहे हैं। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो रातों रात दूसरे नंबर से 20वें नंबर पर पहुंच जाना, जो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान शेयर होल्डर्स का हुआ, या LIC जिसका कहते थे कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, आज क्वेश्चन मार्क लग गया। एक गरीब मजदूर ने अपने मकान के लिए पैसे बनाने के लिए जमा पॉलिसी ली, बच्चों की पढ़ाई के लिए पॉलिसी ली, बेटी के विवाह के लिए पॉलिसी ली, आज सोचते हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा। आम आदमी पार्टी ने संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले